दोस्तों एमएस वर्ड में टाइपिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है टेबल बनाना। अगर मैं कहूं कि आप बिना टेबल बनाए ही एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं तो वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक ने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद आप एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी बहुत सारे तरीके आपको इस तरह के आ जाएंगे शायद जो आपके आसपास में लोग जानते ही ना हो। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर कोर्स के सारे वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप आगे भी ऐसे ही कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सो हमने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। तो मैंने एमएस वर्ड का होम टैब का सारा ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एमएस वर्ड के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में बारीकी से सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी दी है। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के टेबल ब्लॉक के बारे में। टेबल बेसिकली किसे कहते हैं? टेबल रो और कॉलम के मिलने से बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से 10x8 का टेबल बनाने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट रो और कॉलम दिया हुआ है। और अगर आप 10x8 से भी ज़्यादा रो एंड कॉलम के टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट टेबल है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप जितने मन उतने रो और कॉलम से अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं टाइप कर, और उसके बाद आपको ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स कॉलम बिट्स ऑटो छोड़ देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने ये टेबल इंसर्ट हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका जिससे आप अपने कीबोर्ड से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। के लिए आपको अपने कीबोर्ड में न्यूमेरिक की जिधर रहते हैं उधर आपको प्लस और माइनस के दो बटन शो करते हैं। आप इससे आसानी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट में प्लस टाइप करना है और आप जितना भी लंबा रो क्रिएट करना चाहते हैं उतने बार माइनस को प्रेस करना है और सिंपली फिर से प्लस कर देना है। और फिर उसी तरह आप जितने लंबे रो क्रिएट करना चाहते हैं आप आसानी से इसे माइनस प्रेस करें। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपली आपको इंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसके नीचे एक और इसी के जैसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे अपने टेबल के सबसे एंड में लाना है और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हमारे टेबल के नीचे एक और रो टेबल क्रिएट हो गया है। इस तरह से आप जितने भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं आप आसानी से इंटर प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस टेबल को बीच लाइन से ब्रेक करना चाहते हैं, यानी दो पार्ट में इसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड में सिंपली आप जिस भी लाइन से अपने टेबल को डिवाइड करना चाहते हैं आपको वहां पे माउस का अपने कर्सर को रखना है और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेबल दो भाग में डिवाइड हो गया है। और अगर आप इसे फिर से वापस से ऊपर लाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है और अल्ट शिफ्ट और डायरेक्शन की के अप डायरेक्शन बटन को क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेबल फिर से ज्वाइंट हो गया है। उसी तरह अगर आप इसे वापस से नीचे लाना चाहते हैं तो आपको सिंपली अल्ट शिफ्ट डायरेक्शन की के डाउन डायरेक्शन की पर प्रेस करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा टेबल दो भाग में डिवाइड हो गया है। फ्रेंड्स, सपोज कि अगर आपको ये टेबल को ब्रेक करना था बट आपसे ये गलती से ये रो को ऊपर छोड़ना था और आपने ये इसे नीचे ला दिया तो आप सिंपली इसे ऊपर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अल्ट शिफ्ट और अप डायरेक्शन की को प्रेस करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये सिलेक्ट किया हुआ टेबल अप में चला गया। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा टेबल को इंस्टेंट इंसर्ट करना, टेबल को ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट करना और अपने कीबोर्ड के द्वारा टेबल को ड्रॉ करना और टेबल को कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट तरीके से कैसे ब्रेक कर सकते हैं और ज्वाइंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। इस ऑप्शन की यूज से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं हमारा माउस का कर्सर पेंसिल के जैसा चेंज हो जाता है। ड्रॉ टेबल के यूज से आप आसानी से इतना भी बड़ा और छोटा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको पहले ड्रॉ टेबल को सिलेक्ट करना है और एक बॉक्स को क्रिएट कर लेना है। अब आप कहेंगे कि ये तो बॉक्स हो गया, ये टेबल कहाँ से इसमें इंसर्ट होगा और कैसे
इसमें हम अपने डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद आप जैसे टेबल पे रो और कॉलम क्रिएट होता है उसी तरह आप इसे सिंपली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसी तरह आप रो को भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको टेबल पर क्लिक करना है और ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ड्रॉ टेबल का पेंसिल अनसेलेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स टेबल के सबसे अप में यहाँ पर एक डायरेक्शन बटन शो कर रहा है, इससे आप अपने टेबल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीख लेते हैं टेबल में काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इंस्टेंट टेबल से हमने यहाँ पर टेबल को क्रिएट कर लिया, और इसमें आप डेटा जैसे एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने माउस को कर्सर को रखना है और यहाँ पे जो भी आप डेटा को रखना चाहते हैं, और अगर आप इस फर्स्ट रो एंड कॉलम से यानी सेल से सेकेंड सेल में जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली टैब बटन का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया ये हमारा कर्सर नेक्स्ट ब्लॉक में नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है। फ्रेंड्स अगर आप पिछले वाले सेल में जाना चाहते हैं वो भी बिना माउस के यूज़ किए तो आपको सिंपली शिफ्ट और टैब का यूज़ करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा बैक में ये कर्सर चला जा रहा है। इस तरह से आप इसमें डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आप इन दो रो के बीच में एक और नया रो क्रिएट करना चाहते हैं और आप अपने डेटा को इसी तरह छोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस भी रो के नीचे एक रो क्रिएट करना है तो आपको उसके लास्ट में अपने माउस के कर्सर को रख देना है और सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे दोनों रो के बीच में एक नया रो क्रिएट हो गया। आप इसमें आसानी से कुछ भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन अभी हाइड है। इस ऑप्शन के यूज से आप लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया है जिसे हमें टेबल में इंसर्ट करना है। तो आपको सिंपली इसके लिए इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस ऑप्शन की हेल्प से आप लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 8 कॉलम और 3 रो शो कर रहा है। आप आसानी से इसे ओके पर क्लिक कर दें और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये लिखा गया टेक्स्ट सारा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये जितना छोटा टेक्स्ट लिखा है उससे ज़्यादा ये हमारा सेल है। तो अगर आप इसे फिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके लिए इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपने माउस के राइट की को प्रेस करना है। और जैसे ही आप माउस के राइट की प्रेस करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो फिट का ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें आपको ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ पर 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। आप जैसे ही ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक करते हैं आपका जितना भी लिखा हुआ कंटेंट रहेगा उसी के हिसाब से ये फिट हो जाएगा। अगर आप ऑटो फिट विंडो करते हैं तो हमारा टेबल जितना साइज हमारा विंडो का है उसी के साइज का ये फिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये टेबल कंटेंट्स के हिसाब से ऑटो फिट हो गया है। आप इसे अपने माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉलम का साइज थोड़ा कम हो जाए तो इसके लिए सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को रो पर इस लाइन पर लेकर जाना है। और जैसे आप इस लाइन पर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा माउस का कर्सर इस तरह चेंज हो जाता है। आप इसे आसानी से ड्रैग कर इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आपने सीखा टेबल में इंस्टेंट किसी टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट करना, ड्रॉ टेबल अपने किसी लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है भाई एक्सेल स्प्रेडशीट। इस ऑप्शन की यूज से आप एक्सेल में किए गए वर्क को आसानी से एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्सेल का विंडो ओपन हो गया है और आपको ये जितने भी रिबन में ऑप्शन एंड कमांड शो कर रहे हैं ये सारे एमएस एक्सेल एप्लीकेशन के हैं। आप इसमें जो भी वर्क कीजिएगा और उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं हमारा ये डाटा सारा एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने सीखा टेबल को इंसर्ट करना, टेबल को ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट करना, टेबल को ड्रॉ करना,
लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, एक्सेल के स्प्रेडशीट को अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करना, क्विकली किसी टेबल को इंसर्ट करना, ड्रॉ करना और अपने कीबोर्ड से टेबल को इंसर्ट करना, ड्रॉ करना, टेबल को ब्रेक करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।